बीजेपी ने मझुआ विधानसभा सीट पर पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया है और इस सीट पर उपचुनाव होनी है, जहां निषाद पार्टी ने भी दावेदारी की थी। सुचिस्मिता के टिकट मिलने के बाद पुष्पालता बीन ने बगावत की है। उनके पति हरिशंकर बीन ने निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें 10 लाख रुपए की मांग और कार्यक्रमों के खर्च का जिक्र है। संजय निषाद ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे कभी टिकट के लिए डील नहीं करते और झूठे आरोपों का सामना कर रही हैं। उन्होंने मामले में कानूनी कार्रवाई की बात भी कही है। और देखिए, बीजेपी ने मंझुआ सीट पर सुचिस्मिता को टिकट दे दिया है। निषाद पार्टी में बगावत कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रही है। आज के दिन में हमारे जो विभिन्न क्षेत्रों से, पूरे प्रदेश से, हमारे जो मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो बड़े रिजर्वायर हैं, नदियों में हैं, या बड़े बड़े हमारे डैम हैं, बड़े बड़े हमारे जलाशय हैं, और जो हैचरीज हैं, जिनमें से हम इस उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश का खिताब मिला था फिशरीज के प्रोडक्शन में, उत्पादन में, तो हम चाहते हैं कि एक नंबर का अगर खिताब मिला है तो एक नंबर हमेशा बरकरार रहे और हमारी उत्तर प्रदेश एक पहचान बनी रहे। उसके लिए हमारे सारे अधिकारी लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं। आधे कर्मचारी हमारे रिटायर्ड हैं, फिर भी हमारे आधे कर्मचारी मिलकर एक अपनी पूरी शक्ति से उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बना रहे हैं। 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में अभी बैठक हुई थी, हमारे मत्स्य विभाग को 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में अवसर दिया गया है, और उसमें मत्स्य 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में कृषि में हमारा मत्स्य विभाग और डेयरी भी है, तमाम और इंडस्ट्री हर सेक्टर को दिया गया है।